सब्सक्राइब कीजिए काइंटिक न्यूज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पोद्दार और आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल कारेंट टेक्निक न्यूज पर। यहां पर आप देख सकते हो, ये है कोर्सिया VS550 SMPS। ये बहुत कॉस्टली SMPS है। अगर आप आपका डेस्कटॉप में बहुत सारा हैवी वर्क और गेम वगैरह करते हो तो ये अच्छा वाला SMPS आपको चाहिए, पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में इस पावर सप्लाई का, इस कोर्सिया VS550 इस पावर सप्लाई का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अगर कोई मेरा चैनल में नए हो तो मेरा चैनल काइंटिक न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए करते ये कोर्सिया SMPS का अनबॉक्सिंग। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी इस SMPS कोर्सिया VS550 इस SMPS का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो ठीक है, चारों तरफ अच्छी तरह से मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर वायर क्या कुछ है इसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोर्सिया का VS550 है। तो ठीक है, मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता है मुझे। ठीक है, सब कुछ हटा देते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो कुछ है उसके अंदर क्या कुछ मिलता है देखते हैं। तो ठीक है, पहला थोड़ा सा पेपर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस SMPS। तो ठीक है, इसके बाद एक पावर केबल का बढ़िया है। इसका केबल आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका क्वालिटी ये बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी है, नॉर्मल SMPS से बहुत हैवी है और वेट बहुत है वेट। तो ठीक है, देखते हैं इसका, आप यहाँ पर देख सकते हो कोर्सिया बढ़िया फिनिश दिया इस SMPS का, बढ़िया फिनिश दिया, बहुत हैवी है ये और ये है VS550। तो यहाँ पर बढ़िया फिनिश दिया कोर्सिया, आप देख सकते हो चारों तरफ अच्छी तरह से। और ठीक है, मैं अभी इस SMPS को कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ। कैसे कनेक्ट करें आप देखो। ठीक है, पहले वायर ये सब हटा लेता हूँ। ठीक है, वायर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत दूर तक जाएगा ये वायर। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक जाएगा। तो पहले मैं उसको कंप्यूटर से अटैच करना होगा कंप्यूटर से। तो ठीक है, अगर आप गेमिंग वगैरह और एडिंग वगैरह करते हो तो ये SMPS आपको चाहिए, अच्छा वाला SMPS होने से मशीन अच्छा रहता है, आपको मदरबोर्ड, आपको रैम सब कुछ अच्छा चलता है अच्छा। अगर आप हैवी गेम चलाते हो तो ये SMPS आपको चाहिए। तो ठीक है, मैंने कस दिया और स्क्रू और रैम वगैरह। ठीक है, मैं देखता हूँ और एक बार। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं अभी 24 पिन को इनपुट करने वाला हूँ। तो ठीक है, देखते हैं 20 इनपुट कर दिया। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, ठीक है, अभी मैं करता हूँ 4 पिन को। तो ये 4 पिन नहीं है, एक क्या नहीं है, और CPU है, ये है। यहाँ पर 8 पिन दिया हुआ है, आप यहाँ पर 4 पिन आपका मदरबोर्ड में है तो 4 पिन लगा सकते हो अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने मुझे 8 पिन यूज करना है, क्योंकि इस मदरबोर्ड में 8 पिन लगता है, तो मुझे 8 पिन मैंने यूज किया। आप 4 पिन भी यूज कर सकते हो यहाँ से, मैंने 8 पिन यूज किया। ठीक है, अभी मुझे हार्ड डिस्क से कनेक्ट करना है एक केबल। ठीक है, कौन सा वाला बढ़िया होगा। ठीक है, ये वाला बहुत दूर जाता है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ये वाला भी बहुत दूर जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क से कनेक्ट करता हूँ। देखो, ठीक है, कनेक्ट कर दिया और बचा हुआ जो कुछ है वो मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से बांधना होगा। तो वो फैन से अच्छी तरह से देखो कि फैन से टच नहीं हुआ, फैन से टच होगा तो दिक्कत हो जाएगा, अच्छी तरह से फैन चलना चाहिए, फैन से बहुत दूर रखो जो कुछ आपको वायर है
वो फैन से दूर रखो। ठीक है, मैंने लगा दिया। अभी आप देख सकते हो फाइनल मैं देखता हूँ, यहाँ पर रैम वगैरह सब कुछ ठीक ही है और ग्राफिक्स, ये छोटा ग्राफिक्स है, ठीक है ग्राफिक्स ठीक ही है और फैन अच्छी तरह से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है फैन में। तो अभी मैं इस पेस के साथ इस मशीन को ऑन करने वाला हूँ, तो ठीक है ऑन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने ऑन कर लिया, अभी देखते हैं। मैंने पावर लगा दिया, ऑन किया, अभी हाँ अभी देखते हो, देखो आप अच्छी तरह से मशीन चल रहा है। अगर आप हैवी गेमर हो और एडिटिंग वगैरह करते हो तो ये एसएमपीएस आपको चाहिए, ये अच्छा, बहुत अच्छा एसएमपीएस है। आप कोई भी मदरबोर्ड में ये एसएमपीएस यूज कर सकते हो, कोई भी कैबिनेट में ये एसएमपीएस, कोई भी कैबिनेट, कोई भी मदरबोर्ड में आप ये एसएमपीएस यूज कर सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है एसएमपीएस का। ठीक है, ये है कोर्सियर VS550 एसएमपीएस। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कोर्सियर VS550 इस एसएमपीएस का अनबॉक्सिंग, इस एसएमपीएस का क्वालिटी, इसका वायर मैनेजर बहुत बढ़िया है और ये पीसी को बहुत स्मूथ तरीके से चलते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो चलते और मिलते बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।